अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। वी हैव अनदर लेसन हियर टू हेल्प यू आउट विद द प्रीवियस टेंस, ए काइंड ऑफ रिव्यू ऑफ पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जिसे हम फेले माजी कहते हैं। सो आई थॉट इट विल बी यूजफुल टू गिव यू सम मोर वर्ब्स एंड अ लिटिल रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैड डन प्रीवियसली। तो पास्ट इनडेफिनिट को थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं, फिर उनमें कुछ उसकी मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू गोना डू इट। अच्छा, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पास्ट इनडेफिनिट की हमने बात की थी कि हम पास्ट इनडेफिनिट को यूज़ करते हैं पास्ट एक्शन को, यानी कोई काम हमारा पास्ट में हो तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट इनडेफिनिट यूज़ करते हैं। अगर कोई स्टोरी वगैरह हमने बतानी होती तो स्टोरी को भी हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, बताते हैं, यानी कि स्टोरी के लिए पास्ट इनडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, या उसको हम वर्ब पास्ट सिंपल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें यूज़ करते हैं, ये भी याद रखना है। और इसी से रिलेटेड मैंने एक आपके साथ एक पिक्चर, एक स्क्रीनशॉट भी जो शेयर कर किया है सामने आपके है, जिससे आपको इस टेंस को हेल्प प्रैक्टिस करने में, अपनी ज़बान पे लाने में, लिखने में, बोलने में, दोनों तरह से आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पता चल गया हमें कि हमने पास्ट इनडेफिनिट को जब इस्तेमाल करना है तो उसमें डेफिनेटली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और यहाँ जो हमने दिया हुआ उसके मुताबिक बेस फॉर्म है एक, और दूसरी सिंपल पास्ट है, यानी कि पास्ट इनडेफिनिट फॉर्म है, ठीक है। तो सेकेंड वाली फॉर्म, सेकेंड वाला कॉलम आपने यूज़ करना है हर बॉक्स में। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा मैंने ये बताया था कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है अफर्मेटिव में। जब हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसमें हम डिड नॉट यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, ओके, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर इसी तरह जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी शुरू में डिड लगाएंगे, उसके बाद आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से कोई भी एक लगा देंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि एज ये चीज़ समझने की है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, याद रखिएगा, ओके। आई होप कि ये आपके लिए आसान है, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला वर्ब है, उसको छोड़ के दूसरा कर लेते हैं, बीट। बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही है, मज़े की बात ही है, इसको छोड़ देते हैं। इससे अगले वाले सेंट वर्ब पे आते हैं, बिकम। बिकम मतलब होना। आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट, ओके, मैं एक पायलट बनना चाहता हूँ, ओके, होना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ। ही बिकेम अ पायलट, वो एक पायलट बना या हुआ, ठीक है। या इसको एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, इट बिकेम, इट बिकम्स ईजी, ये ईजी हो जाता है, इट बिकेम ईजी, ये ईजी हो गया। तो ये होना के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं बिकम या बिकेम को। तो इसके आपने इस तरह से तीन सेंटेंस बनाने, जैसे कॉमनली हमने प्रैक्टिस किया, आई बिकेम अ टीचर, आई डिड नॉट बिकम अ टीचर, डिड आई बिकम अ टीचर, इस तरह से तीन सेंटेंस वर्बल प्रैक्टिस कर लें इसकी, ठीक है। अच्छा, बेसिक मेरा मकसद ये वीडियो आपको एक तो रिकैप करने के लिए, रिव्यू करने के लिए बनाई, और दूसरा ये है कि आपको ये जो वर्ब्स हैं, इनमें से अगर कोई वर्ब्स नहीं आते तो उन सब के साथ आप बैठ के सेंटेंसेस बनाएं, और इनकी जिनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं पता थी, जिन वर्ब्स की, तो उनको भी आप माइंड में रख लें और उनसे स्टोरी बनाने में हेल्प लें, और जो सेंटेंसेस आपने फॉर्म करने हैं वो उनको फॉर्म कर लें। अच्छा, मैं सबके मीनिंग बता देता हूँ। बी का मतलब होना होता है, वॉज और वर का मतलब था। वॉज किसी एक चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए, वर जो है मोर देन वन या यू के लिए। बीट मतलब मारना, और उसकी सेकंड फॉर्म भी बीट है। उसके बाद बिकम है होना, और बिकेम उसकी सेकंड फॉर्म है हुआ, ठीक है। उसके बाद बिगिन स्टार्ट करना, शुरू करना, और बिगेन स्टार्ट किया। बेंड मोड़ना, ठीक है, मोड़ना या मुड़ा दोनों के लिए यूज़ होता है, और बेंट उसकी सेकंड फॉर्म है, झुकने को भी कहते हैं बेंड होना, ठीक है। झुकना या झुका दोनों के लिए हम बेंड यूज़ करते हैं, और सेकंड फॉर्म बेंट उसकी होती है, ठीक है। बाइट काटना, बिट काटा, ब्लो फूंक मारना या उड़ाना, के ब्लो उड़ाने के लिए भी कभी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फूंक मार के, ऐसे फूंक मार के हवा, मट्टी उड़ा दिया आपने, दैट्स ब्लो इट अवे, ब्लो द डस्ट अवे, इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ब्लो सेकंड फॉर्म है ब्लू, उड़ाया। इसके बाद है ब्रेक,
तोड़ा, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और ब्रोक मीन्स तोड़ा। फिर हमारे पास है ब्रिंग, लाना, ब्रॉट लाया, बिल्ड बनाना, बिल्ट बनाया, बर्न जलना या जलाना, दोनों के मीनिंग यूज़ होता है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बर्नड या बर्नट, टी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है जला। बाय ख़रीदना, बॉट ख़रीदा, कैच पकड़ना, कॉट पकड़ा, चूज़ इंतखाब करना, चोज इंतखाब किया, कम आना, केम आया, कॉस्ट कीमत होना, किसी चीज़ की कीमत होती है, प्राइस होती है, उसको कहते हैं कीमत होना, कॉस्ट। और इसकी सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट है और थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट है, ठीक है। अगर याद हो तो मैंने कुछ वर्ब्स ऐसे बताए थे जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो कॉस्ट उनमें से एक है। इसी तरह कट, खट, खट काटना, काटा, और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम है, कट कट कट, शट शट शट, और कॉस्ट कॉस्ट कॉट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। ये बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ब्स हैं लिस्ट जिनकी तीनों फॉर्म सेम है, तो उनको याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिग। डिग मतलब होता है, डिग का मतलब होता है कि खोदना, और डग खोदा, डू करना, डिग किया, ड्रॉ क्या कहते हैं, लाइन खींचने को भी कहते हैं, खाका बनाने को भी ड्रॉ कहते हैं। ड्रू उसकी सेकंड फॉर्म है, खाका बनाया। ड्रीम ख्वाब देखना, ड्रीम ख्वाब देखा। ड्रिंक पानी पीना, पीना और ड्राइंग पिया। इसी तरह ड्राइव है इसकी सेकंड फॉर्म, ड्रोव है यानी गाड़ी वगैरह चलाना, कोई व्हीकल वगैरह चलाना। ईट खाना, एट खाया। फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, और फेल गिरा। इस फील है, महसूस करना, फेल्ट महसूस किया। फाइट लड़ना, फॉट लड़ाई की। फाइंड ढूंढना, फाउंड ढूंढा, ठीक है। अब इसी तरह इन सब के मीनिंग्स हैं बहुत सारे, ये सब करने लग जाऊंगा तो इंशाल्लाह आई गेस के मेरा बहुत सारा टाइम इसमें चला जाएगा। मैं इससे पढ़ के आपको बता देता हूँ, जिनमें कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, और मेक श्योर कि इन सब के एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाएं आप लोग, ठीक है। फ्लाई, फॉरगेट, फ्रीज, गेट, गिव, गो, ग्रो, हैंग, हैव, हियर, हाइड, हिट, होल्ड, हर्ट, कीप, नो, ले। ले बिछाने के सेंस में भी आता है, ले लेटना, और आई एम सॉरी बिछाना कोई चीज़ को ले कहते हैं। और मुर्गी वगैरह अंडे देती है उसको भी हम ले कहते हैं। लीड, फिर लर्न है, लीव है, लेट है, लाए है, लाए झूठ बोलने वाला है। लूज हारना, मेक, मीन, मीट, पे, पुट, रीड, राइड। अच्छा रीड की तीनों फॉर्म सेम है लेकिन पढ़ने वाला फ़र्क है। रीड रेड रेड, लेकिन लिखेंगे सेम, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही लेकिन पढ़ेंगे अलग। रीड रेड रेड ऐसे पढ़ेंगे। राइट रोड रिटन, रिंग रैंग, राइज रोज। इसके बाद है रन, इसके बाद है से, सी, सेल, सेंड, शट, सिंग, सिट, स्लीप, स्पीक, स्पेंड, स्टैंड, स्विम, टेक, टीच, टेयर, टेल, थिंक, थ्रो, अंडरस्टैंड, वेक, वेयर, विन एंड राइट। ये सारे के सारे वर्ब्स आपको हर हाल में आने चाहिए। इनमें से कोई भी ऐसा वर्ब ना हो जो कि आपको इस्तेमाल करना ना आता हो, भले उसकी सेकंड फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म हो, दोनों आपको फिलहाल इस स्टेज पे हर सूरत में आने चाहिए। और आपको भले जितना भी टाइम लग जाए लेकिन इन सब के साथ सेंटेंसेस बनाएं और सेंटेंस बनाकर मुझे सेंड करें, ओके। यू कैन डू इट ऑन यूट्यूब, यू कैन सेंड इट टू मी, यू कैन टाइप इट। अगर टाइप कर सकते हैं तो वही कॉमेंट्स आप यूट्यूब पर पोस्ट कर सकते हैं, इट रियली डजेंट मैटर। बट मेक श्योर कि आप इन सब के साथ एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाएं, ओके। और इसके अलावा ये इनको अच्छी तरह से याद कर लें इनको, ठीक है। आई होप दे आर गोना बी ऑल वेरी यूजफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे। अस्सलाम वालेकुम।